नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा वर्मा, आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। रुक करते हैं स्वागत की अहम खबरों का। समाजवादी पार्टी के लोहिया ट्रस्ट कार्यालय पर सपा युवा जन सभा की कमेटी की समीक्षा राष्ट्रीय महासचिव उदय प्रकाश यादव द्वारा किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा में सपा सरकार बनाने में युवाओं को आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना होगा। युवाओं की मदद से ही इस बार अखिलेश यादव को पुनः मुख्यमंत्री बनाना है। उन्होंने कहा कि एक बूथ चार यूथ के नारे के साथ समाजवादी युवा पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत करने का कार्य करेंगे। इसके साथ ही युवा पार्टी की नीतियों को जनता तक पहुंचाएंगे। उन्होंने युवा जन सभा के सभी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि वह अभी से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जी जान से जुट जाए। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए गौरव विश्वकर्मा की रिपोर्ट। जी, आज प्रेस वार्ता रखा गया, क्या उद्देश्य है प्रेस वार्ता का? संगठन की समीक्षा को लेकर आज जनपद मिर्जापुर में घुमाए। लगभग 18 से 20 जनपदों में घूमकर आज हम मिर्जापुर पहुँचे हैं। समाजवादी पार्टी का उद्देश्य है कि जो नौजवान साथी हैं, जो 2022 में समाजवादी पार्टी को सरकार में लाने के मुख्य धारा है, इनको कैसे एकत्रित करके एकजुट करके एक बूथ पे कम से कम 10 यूथ को खड़ा करके और समाजवादी पार्टी को सत्ता में पहुँचाने का काम किया जाए, यही सब चीज़ों को लेकर मैं आज नौजवान साथियों के साथ समीक्षा बैठक के रूप में उपस्थित हूँ। मैं नौजवान साथियों से यह जानना चाहता हूँ कि बूथ पे समाजवादी पार्टी कैसे मजबूत हो, कैसे बूथ पे समाजवादी पार्टी को बूथ पे उसका वोट बढ़े, बूथ पे उसका समाजवादी पार्टी का जनाधार बढ़े और माननीय राष्ट्रीय दल को मुख्यमंत्री बनाने का काम करे। अगर जो पार्टी बूथ पे मजबूत होगी वही शासन सत्ता में 2022 के चुनाव में सरकार में आएगी। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर आज जनपद मिर्जापुर में हम नौजवान साथियों के साथ बैठक कर रहे हैं। ये बताइए कि 2022 के चुनाव में किस तरीके से योजनाएँ बनाई जा रही हैं कि छोटी छोटी पार्टियाँ, सुनने में आ रहा है कि अब तक गठबंधन कर रही हैं, तो क्या ऐसा आपके मौका मिलेगा? क्या कह रहे हैं? छोटी छोटी पार्टियाँ जो हैं वो समाजवादी से गठबंधन करना चाहती भी हैं, तो क्या ऐसा मौका है आपके यहाँ? हमारे यहाँ महान दल से लेकर तमाम छोटी पार्टियाँ गठबंधन के रूप में साथ चलने का काम कर रही हैं और आप मीडिया के साथ ही देख भी रहे होंगे, लगातार महान दल का अभी एक कार्यक्रम समाप्त हुआ सैफई में और इधर चौहान समाज का एक कार्यक्रम चल रहा है पदयात्रा। जितनी भी छोटे समाज के लोग, समाज की पार्टियाँ हैं जो चाहते हैं कि कानून का उत्तर प्रदेश में राज रहे, जो चाहते हैं कि संविधान सुरक्षित रहे, जो चाहते हैं कि लोकतंत्र उत्तर प्रदेश में बचा रहे, जो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश से जो मोहब्बत करते हैं, उत्तर प्रदेश में जो भाईचारे की भावना है वो बची रहे, वो लोग चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बने, मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी बने। ऐसी तमाम विचारधारा को हम लोग साथ में लेकर 2022 की सत्ता में वापसी करने का काम करेंगे। पुरवाना गठबंधन पार्टी के कल प्रदेश अध्यक्ष वो भी मुलाकात किए थे अखिलेश जी से, तो क्या इनको भी गठबंधन किया जाए इनके साथ? हमने आपसे कहा कि जो भी पार्टियाँ भाजपा के को उखाड़ फेंकने का, योगी सरकार को 2022 की सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेंगी, उन सभी पार्टियों का स्वागत है। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान पर विश्वास रखते हैं, जो चाहते हैं कि न इस उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हो, न जात के नाम पे झगड़ा हो, न धर्म के नाम पे झगड़ा हो।